नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं जिला टॉप। अभी हम जहां खड़े हैं वो आपको बैकग्राउंड में देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो बहुत बड़ा, लगभग 35 से 36 38 करोड़ का बनाया गया वो समरणालय का बिल्डिंग है जहां हम मौजूद हैं। आज से ठीक 21 दिन पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका था। उसके बाद सभी सरकारी दफ्तरों को ये आदेश दे दिए गए कि इसमें आप शिफ्टिंग कर लीजिए। 21 दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी ऑफिसेज शिफ्ट नहीं हो पाई, उसका जीता जागता सबूत हमारे कैमरे के सामने मौजूद है। कई लॉरियाँ रोज आ रही हैं और शिफ्टिंग का काम चल रहा है। सवाल ये है कि 21 दिन में शिफ्टिंग क्यों नहीं हो पाई, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इस 21 दिन की आपाधापी में जो लोगों के काम को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। विभाग सरकारी है और सरकार जब सरकारी है तो फिर किसे बोलें, शिकायत किससे करें, सवाल किससे करें। अभी सबसे पहले तो हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। हम अभी शिक्षा विभाग गए थे, वहाँ शिक्षा विभाग से सारे कर्मचारी ऐसे ही बेसुध बैठे हुए थे। बड़ा बाबू छुट्टी पर हैं, अगर आपको कोई काम हो तो बड़ा बाबू जब तक छुट्टी से घर वापस नहीं आएंगे और घर से वापस ऑफिस नहीं आएंगे तब तक शिक्षा विभाग में आपका कोई काम नहीं होगा। बड़ी वाली जो मैडम हैं, जिन्हें हम जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, उनको 5 से 6 जिलों का प्रभार है, तो वो रोज़ाना यहाँ आ नहीं सकती। सप्ताह में एक दिन मुश्किल से वो यहाँ पर आती हैं, और जब मैडम सप्ताह में एक दिन आती हैं तो पूरा जो जिम्मेदारी है विभाग का वो बड़े बाबू पर होता है। और बड़े बाबू इतने बड़े हैं कि उन्होंने साफ फ़ोन पर यह कहा कि जब तक हम नहीं आएंगे ऑफिस का कोई भी काम, कोई भी डिटेल आपको नहीं मिल सकता। और हमारे फ़ोन करने पर उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर लिया। तो सरकार विभाग है, विभाग ही सरकार का है, तो सवाल किससे करें। सवाल यहाँ के जिला के जो पदाधिकारी हैं, जो मुखिया हैं, जिन्हें हम उपायुक्त कहते हैं, हम उनसे सवाल है और उन तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए, ये सवाल है। हम सिर्फ, ये हमारा सवाल नहीं है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से बरामदे पर ये तस्वीर आप देखेंगे, एक वृद्ध बैठा हुआ है और वो लगभग एक महीने से चक्कर काट रहा है दफ्तरों के। पहले वो शहर में एक दफ्तर में चक्कर काटा करता था और यहाँ के शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ चक्कर काटा जा रहा है। और वो बाबा कहते हैं कि ऑफिस में कोई आदमी मिलता ही नहीं। जिसके पास हमने आवेदन दिया था उसका चेहरा तक हमने दोबारा नहीं देखा। और 10:30 बजे से बाबा बैठे हुए हैं बरामदे पर और अभी 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उस इंसान, जो भी पदाधिकारी थे, जो भी कर्मचारी थे, उसके चरणों पादुका, उनका चरण यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं, उसके इंतज़ार में वहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे सवाल पहले उनका पहले सुन लीजिए कि क्या, किस चीज़ के लिए लोग आए थे और दफ्तरों का क्या हाल है। पत्थरगामा से कितना खर्च है आने में? आने जाने 100 रुपया है। और काम हुआ यहाँ? जी नहीं, 4 दफे आए। 4 दफे में काम नहीं हुआ? 400 रुपया पानी मिला, काम नहीं हो रहा है। डेटर नंबर मांगने तो पता नहीं देंगे, क्या करें बताइए आप लोग। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सत्कार। क्या काम से आए थे? राशन। क्या काम था उसमें? राशन मतलब कंप्लेंट किए थे। कहाँ से आए थे? भदरा। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर गए ऑफिस। क्या हुआ? तालाबंद ऑफिस काम नहीं हुआ। कितना चलो चाचा? कौन विभाग में काम? अमूमन शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दफ्तर दूर होने की वजह से कोई भी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच पाता। 10:30 बजे के बाद भी आपको यहाँ दफ्तर में लगभग लोग नहीं मिलेंगे। बहाना एक ही होगा कि हमारा दफ्तर अभी शिफ्टिंग पे है। तो सवाल फिर से यही है कि 21 दिन हो गए अभी तक दफ्तर शिफ्ट क्यों नहीं हो पाया। हालांकि हमें सूचना मिली है कि उपायुक्त महोदय ने भी कई विभागों को लताड़ा है कि जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस को आप शिफ्ट करें और कार्य को फिर से क्रियान्वित करें, लेकिन सरकारी दफ्तर ऐसा है, पूछेगा कौन, सवाल कौन करेगा, यही एक सवाल बार बार हम किए जा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बड़ा सा, ये 40 करोड़ खर्च करके ये बिल्डिंग बन तो गया, लेकिन ये सिर्फ सेल्फी पॉइंट बन के रह गया। लोग यहाँ आकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत वाकई में बना है, लेकिन काम कितनी खूबसूरती से हो रहा है वो तमाम दलीलें, तमाम बयान आपने सुन लिया।
तो जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे हमारा अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द इस पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से सुचारू कर लें। हालांकि आपसे पहले भी कई पदाधिकारी थे सुचारू कर नहीं पाए, लेकिन आपसे उम्मीद जरूर है कि इस प्रयास आप करेंगे। नए पदाधिकारी हैं, आपसे कई उम्मीदें हैं गोड्डा जिला को। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। यूँ ही मुद्दा परक खबरों के साथ आपके बीच हम आते रहेंगे।